हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल एक्सपर्ट में एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। उसमें हमने तीन वेरिएबल लिए थे। पहला वेरिएबल था बुलियन टाइप का, सेकंड वेरिएबल था इंटीजर टाइप का, एंड जो थर्ड वेरिएबल था वो रियल टाइप का था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, साइटेक्स स्काडा में यहाँ पे टॉपोलॉजी के अंदर एक हमने आईओ डिवाइस क्रिएट किया था मोडबस करके, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल क्रिएट किए थे, ठीक है, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, एंड जिसका जो एड्रेस है वो हमने पीएलसी का जो एड्रेस था उन वेरिएबल्स का सेम वही एड्रेस हमने यहाँ पे असाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने उन वेरिएबल्स की वैल्यू को साइटेक्स स्काडा के रन टाइम में हमने देखा था, जो वैल्यू मेरा पीएलसी में अपडेट हो रहा है वही वैल्यू मेरा साइटेक्स स्काडा में शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक था, ठीक है, हम सिर्फ उस वैल्यू को रीड कर पाते थे फ्रॉम पीएलसी, ठीक है। हमारे पास उस टाइम पे प्रोविजन नहीं था कि उस वैल्यू को हम अगेन पीएलसी में राइट कर पाए, ठीक है। अगर मुझे किसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का सेट पॉइंट सेट करना है तो फिर वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। वो चीज तो होनी चाहिए स्काडा में, वो तो नेसेसरी है। अगर मुझे कहीं पे टेम्परेचर का सेट पॉइंट देना है, प्रेशर का सेट पॉइंट देना है, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का स्पीड सेट करना है, तो वो सारी चीज का प्रोविजन होना चाहिए स्काडा में कि मैं यहाँ से कुछ इनपुट दूँ तो वो मेरा पीएलसी तक जाए एंड मेरा सेट पॉइंट सेट हो जाए, ठीक है। तो वो अब हम कैसे करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रोजेक्ट यूज किया था वही प्रोजेक्ट इस वीडियो में यूज करेंगे, ठीक है। टेस्ट करके जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था वही प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो पीएलसी का प्रोजेक्ट था वही प्रोजेक्ट इसमें भी है, इसमें भी तीन वेरिएबल, वही बैकअप को हमने इसमें यूज किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमने नंबर वाला जो टूल यूज किया था उसके अंदर प्रीवियसली हमने सिर्फ अपीयरेंस का प्रॉपर्टी दिया था, ठीक है। ये वाला जो टैग है वेरिएबल टू करके, उसका जो भी वैल्यू होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें एक और मॉडिफिकेशन देंगे और वो देंगे इनपुट टैब में, ठीक है। इनपुट करके यहाँ पे एक टैब है, उसमें भी स्पेशल है कीबोर्ड कमांड्स, ठीक है। उसमें हम की सीक्वेंस असाइन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास कितने मैक्सिमम डिजिट्स आने वाले हैं, फोर डिजिट्स, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे फोर हैश दे दूंगा। उसके बाद जब मैं इंटरफेस करूंगा तो वो मेरा वैल्यू जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियली, वो मेरा वैल्यू इस वेरिएबल का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। सो वार अंडरस्कोर टू इज इक्वल टू आर्ग वन एंड देन ब्रैकेट, ठीक है। इसका पूरा मतलब ये है कि यहाँ पे फोर हैश लिखा है, इट मीन्स मैं मैक्सिमम फोर डिजिट यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। फोर डिजिट एंटर किए, उसके बाद जब मैंने एंटर बटन मेरा प्रेस किया, ठीक है, कीबोर्ड से जब मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो वो जो मेरा फोर डिजिट का वैल्यू है वो वैल्यू मेरा वेरिएबल टू के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसका ये सिंपल मीनिंग है, ठीक है। सो इनिशियली हम वेरिएबल टू का ये ट्रायल ले लेते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल थ्री का भी इस तरह से एक ट्रायल ले लेंगे, ठीक है। सो अभी इस प्रॉपर्टी को सेट करते हैं एंड देन ओके पे प्रेस करते हैं, उसके बाद इस पेज को सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पीएलसी है उसे हम ऑनलाइन लेके चलते हैं सिमुलेशन बोर्ड में। सो यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर प्रोजेक्ट टू पीएलसी एंड देन यहाँ पे पीएलसी रन आफ्टर ट्रांसफर। सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है पीएलसी सिमुलेटर में ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद कंफर्म रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे ओके पे क्लिक करना है। सो हमारा जो पीएलसी है वो रन मोड में है एंड उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 127.0.0.1 एंड हमारा सिमुलेशन ऑन है, दैट्स व्हाई हमें एक मोडबस सर्वर मिल जाएगा, सो जिसकी हेल्प से हम साइटेक्स स्काडा में इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को रीड कर पाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इनिशियली सभी वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो मैं उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। जो वेरिएबल वन है जो डिजिटल है उसे उसकी वैल्यू मैंने वन कर दी। उसके बाद जो वेरिएबल टू है जो कि इंटीजर है उसका वैल्यू मैंने 55 कर दिया एंड जो वेरिएबल थ्री है जो कि रियल टाइप है उसका वैल्यू मैंने 55.55 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं स्काडा में गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हमने की सीक्वेंस असाइन कर दिया है, फोर डिजिट हम मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी डिजिट हमने एंटर किए होंगे वो डिजिट हमारे वेरिएबल टू है जो हमारा वेरिएबल उसमें पास हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ओके, इस पेज को सेव करना है एंड देन इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है एंड देन
रन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे रन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वेरिएबल वन का जो वैल्यू मैंने पीएलसी में असाइन किया था वो मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। वेरिएबल टू का वैल्यू 55 था वो मुझे यहाँ पे मिल गया, एंड वेरिएबल थ्री का वैल्यू 55.55 वो मुझे स्काडा में मिल गया, ठीक है। अब मैंने इस वैल्यू को चेंज किया 56, ठीक है, तो वो अगेन यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया। लेकिन अब मुझे स्काडा से उस वैल्यू को अपडेट करना है तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। जब आप स्काडा में जाओगे एंड यहाँ पे जो वैल्यूज है उस पर आप माउस घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो जिसमें हमने प्रॉपर्टी सेट किया था वहां पे एक स्मॉल रेक्टेंगल आपको शो हो रहा है, ठीक है। सो वहां पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको कुछ राइट करना है। सपोज मुझे इस सेट पॉइंट का वैल्यू 57 सेट करना है, सो मैंने यहाँ पे 57 लिखा, एंड देन उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा वो वैल्यू पीएलसी में चला गया, ठीक है। क्योंकि हमने कीबोर्ड सीक्वेंस ही कुछ इस तरह से रखा था, ठीक है। मैं मैक्सिमम 4 डिजिट एंटर कर सकता हूँ, एंड देन उसके बाद जब मैंने एंटर की प्रेस किया मेरे कीबोर्ड से तो मैंने जो 4 डिजिट एंटर किए हैं वो 4 डिजिट मेरे पीएलसी का जो वेरिएबल है जो मोडबस का एड्रेस है उसमें मूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1111, ठीक है, ये 4 डिजिट है, ठीक है। अगर मैं 5th डिजिट लिखूंगा तो वो चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली 4 डिजिट का ई सिक्वेंस ही असाइन किया है। मैं 4 डिजिट से ज्यादा यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1111 लिखा, लेकिन जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा वो मेरी वैल्यू पीएलसी में नहीं जाएगी। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया वो वैल्यू पीएलसी में चली गई, ठीक है। सो इस तरह से ये जो की सीक्वेंस है वो वर्क करता है, ठीक है। अब सेम की सीक्वेंस हम वेरिएबल 3 को भी असाइन कर देते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल 3 में जाते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड कमांड, एंड यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 डिजिट का यूज करते हैं, सॉरी 5 नहीं 5 6 7 8 डिजिट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन एंटर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 8 डिजिट इनपुट दे सकता हूँ, एंड देन उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा सो वो जो भी मैंने इनपुट दिया होगा वो सारे वैल्यू मेरे पीएलसी में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा वेरिएबल है वेरिएबल 3, उसके बाद arg 1 एंड देन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे प्रेस करना है ओके। सो यहाँ पे मेरा इस नंबर टूल का जो प्रॉपर्टी है वो सेट हो गया, उसके बाद इस पेज को सेव करना है, एंड जो मेरा रन टाइम बैकग्राउंड में रनिंग है उसे क्लोज करना है, ठीक है। अब जो वेरिएबल 1 है एंड जो वेरिएबल 2 है इन दोनों की, सॉरी जो वेरिएबल 2 है एंड जो वेरिएबल 3 है इन दोनों की हमने की सीक्वेंस असाइन कर दी। जो वेरिएबल 2 है उसमें मैक्सिमम में 4 डिजिट एंटर कर सकता हूँ, एंड जो वेरिएबल 3 है उसमें मैक्सिमम में 8 डिजिट एंटर कर सकता हूँ विथ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। सो इसे भी हमने क्लोज कर दिया, इस पेज को सेव कर दिया, इस प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लिया, ठीक है, एंड देन इस प्रोजेक्ट को रन कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अगर अपना माउस मूव करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे भी आपको एक स्क्वायर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे भी आपको एक स्क्वायर देखने को मिलेगा। इट मींस इन दोनों की वैल्यू आप स्काडा से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे 55.55 है उसकी वैल्यू 56.56 करनी है, सो यहाँ पे मैं 56.56 राइट करूंगा, एंड देन जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया वो वैल्यू मेरी पीएलसी में चली जाएगी। अगर मैंने पीएलसी से 57.57 राइट किया तो वो वैल्यू मेरी स्काडा में आ जाएगी, एंड अगेन मैंने स्काडा में 58.58 एंटर किया तो वो वैल्यू मेरी पीएलसी में चली जाएगी, ठीक है। एंड देन अगेन मैंने वेरिएबल 2 को चेंज करने को ट्राई किया 1 2 3 4, तो वो वैल्यू मेरी पीएलसी में चली गई, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। आप मोडबस का जो एड्रेस है उसका डेटा आप साइटेक्स स्काडा में रीड कर सकते हैं, एज वेल एज उस मोडबस के एड्रेस की वैल्यू को आप साइटेक्स स्काडा से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस लिटल आर्ग्यूमेंट फंक्शन, ठीक है। आप कीबोर्ड सीक्वेंस एंटर कर दीजिए एंड आर्ग्यूमेंट फंक्शन का यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
आप उसके बाद पीएलसी में भी राइट कर पाओगे, एज वेल एज अगर आपका वो ओपीसी डीए है तो उसमें भी आप इसी तरह से राइट कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि आप मोडबस का डेटा रीड कैसे कर सकते हैं, एंड ऑल्सो मोडबस के किसी होल्डिंग रजिस्टर पे वैल्यू को कैसे राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटेक स्काडा ग्राफिक्स, ठीक है। सो हमने सिर्फ अभी ग्राफिक्स से ही उन सभी वैल्यूज को रीड एंड राइट किया है, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है वो सिर्फ हमें ग्राफिक्स बिल्डर में सेट करनी है। एक बार आपने वो प्रॉपर्टी सेट कर दी, उसके बाद आप किसी भी टाइम पे कहीं से भी उन वैल्यूज को रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी इस रन टाइम को क्लोज करते हैं, ठीक है, इसे मिनिमाइज करते हैं, एंड अगेन एक बार इस प्रॉपर्टीज को रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। की सीक्वेंस उसमें मैंने 4 नंबर ऑफ हैशेस इनपुट किया है, इट मीन्स मैं यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिजिट एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे वेरिएबल 2 है, उसकी वैल्यू में मैं मैक्सिमम 4 डिजिट का कोई नंबर ऐड या फिर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा वो मेरी वैल्यू सीधे मेरे वार 2 करके जो मेरा टैग है उसमें चली जाएगी, ठीक है। सेम इस वेरिएबल 3 है जो मेरा वार 3 करके जो टैग है उसमें भी मैंने एक की सीक्वेंस एंटर किया है, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अपने कीबोर्ड से, एंड उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया वो मेरा जो नंबर है वो मेरा जो डिजिट है, ठीक है, वो डिजिट मेरा वेरिएबल 3 में पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि मोडबस का डेटा आप साइटेक स्काडा में रीड कैसे कर सकते हैं, एंड साइटेक स्काडा से मोडबस के किसी होल्डिंग रजिस्टर पर वैल्यू को राइट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कहीं पे डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ऑल्सो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।